हेलो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन किए। आज की टॉपिक है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे और गोलीय दर्पण से किस प्रकार से परावर्तन होता है इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गोलीय, गोलीय का मतलब होता है गोले के आकार का, गोले के आकार का जो चीज है उसको गोलीय कहते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा गोले के बारे में बता दें कि जैसे गोला जो है त्रिदिशात्मक होता है। त्रिदिशात्मक का मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों होती है। और वृत्त जो है द्विदिशात्मक होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं होती। हमारा बोर्ड भी है, यह द्विदिशात्मक है। द्विदिशात्मक बोर्ड पर हम त्रिदिशात्मक फिगर नहीं बना सकते, इसलिए गोला को भी हम ऐसे ही बनाते हैं और वृत्त को भी ऐसे ही बनाते हैं बोर्ड पर। जबकि गोला कहने का मतलब यह है, गोला जब हम कहें या सुने तो दिमाग में गेंद की फिगर होनी चाहिए। गेंद गोलीय है। और वृत्त कहें या वृत्त सुने तो दिमाग में चूड़ी की तरह, चूड़ी का फिगर होना चाहिए। ये अंतर है गोला और वृत्त में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण गोले के आकार का होता है। गोले के आकार का गोलीय दर्पण को खोखला गोला, कांच का खोखला गोला लेकर के और उसको काट दिया जाता है। इसे मान लीजिए यहां कट 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 कर दिए, ये दो पार्ट हो गया, एक यह और एक यह। तो गोलीय दर्पण खोखले गोले को काट करके बनाया जाता है। इसके एक तल पर, चाहे बाहरी तल पर चाहे भीतरी तल पर, कलई होती है। ये कलई के आधार पर गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जब गोले के उभरे हुए तल पर, उभरे हुए तल पर ऐसे कलई होती है, यह होता है अवतल दर्पण। यह आपका है अवतल दर्पण। और जब यही कलई दबे हुए तल पर होती है, जो तल दबा है उस पर होती है, तो यह दर्पण कहलाता है उत्तल दर्पण। यह है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में उभरे हुए तल पर कलई होती है, उत्तल दर्पण में दबे हुए तल पर कलई होती है। अब हम लोग गोलीय दर्पण समझ गए होंगे। गोलीय दर्पण खोखले गोले को काट करके बनाया जाता है। इसके एक तल पर कलई होती है और दूसरा तल खाली होता है। दूसरे तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। जब बाहरी तल पर कलई होती है तो अवतल दर्पण, भीतरी तल पर दबे हुए तल पर कलई होती है तो अवतल दर्पण। अब हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, कुछ चीजों को पढ़ेंगे, परिभाषाओं को, जिनको जानना बहुत जरूरी होता है। अगर ये चीजें नहीं जानेंगे आप तो गोलीय दर्पण से किस प्रकार से परावर्तन होता है इसको नहीं समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इसमें नंबर एक है वक्रता केंद्र। नंबर एक है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? जैसे गोला है तो गोले का
एक गोले का एक केंद्र होगा गोले का एक केंद्र होगा। अब मान लीजिए कि यहां से हमने काट दिया, इसको काट दिया, ये पार्ट अलग हो गया। ये पार्ट जब अलग हो गया तो ये इस प्रकार से बन गया। इसका जो कर्व है उतना ही है जितना यहाँ है। अगर इसको हम डॉटेड लाइन से गोले को पूरा करें तो फिर हमारा वही गोला प्राप्त होगा। तो ये केंद्र क्या है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र इस दर्पण का, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अब है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या जैसे केंद्र से हम परिधि तक जो लाइन खींच देते हैं, कहीं भी खींच देते हैं परिधि तक, ये त्रिज्या कहलाती है। ठीक इसी तरह से हम यह कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या की परिभाषा और दूसरे तरह से भी हम देंगे इसके, उसको पहले हम ध्रुव समझ लें। ध्रुव, ध्रुव क्या है? ध्रुव जैसे ये यहाँ से यहाँ तक दर्पण है, दर्पण यहाँ से यहाँ तक है। इसको भीतरी वाले तल को, जिस पर कलाई नहीं की गई है, इधर वाला तल, इसको कहेंगे परावर्तक तल। परावर्तक तल। और ध्रुव क्या होता है? ध्रुव परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव के आधार पर हम वक्रता त्रिज्या की परिभाषा दे सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है? जैसे यहाँ है, यहाँ था वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और यहाँ है ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव। तो मुख्य अक्ष क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। इस रेखा को हम कहेंगे मुख्य अक्ष। यह रेखा वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जा रही है, यानी मुख्य अक्ष की परिभाषा हम दे सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष हो गया। उसके बाद फोकस आता है। फोकस, फोकस क्या है? ध्यान दीजिए, फोकस यह है गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। यह अवतल दर्पण है, यह इसका ध्रुव है, यह वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा यह है
मुख्य अक्ष। यहाँ फोकस को हम पहले अवतल दर्पण के फोकस को बताएंगे, फिर अवतल दर्पण के फोकस को बताएंगे, फिर सम्मिलित रूप से दोनों को, दोनों दर्पण यानी गोली दर्पण, गोली दर्पण में दोनों दर्पण आ जाता है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। तो सम्मिलित रूप में हम गोली दर्पण के फोकस के बारे में बताएंगे। पहले हम अवतल दर्पण के फोकस को देखें। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखा, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर चल एक किरण जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जा रहे हैं, सभी किरण एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं, जिस बिंदु से होकर जा रहे हैं उस बिंदु को हम कहते हैं अवतल दर्पण का फोकस। ठीक इसी तरह से उत्तल दर्पण में देखें तो ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये ध्रुव है, इधर वक्रता केंद्र है, इससे होकर के ये रेखा जा रही है, इस रेखा को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये केंद्र है, सेंटर सी। अब मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हम प्रकाश किरण ले जा रहे हैं, और मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाने के बाद ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे जा रही है और जाने के बाद परावर्तित होकर इधर जाएगी, समांतर जा रही है परावर्तित होकर के इधर आ रही है। इन दोनों किरणों को हम पीछे बढ़ाते हैं डॉटेड लाइन से, ये मुख्य अक्ष के एक बिंदु से बिंदु पर मिलती हैं। यह है फोकस, यह उत्तल दर्पण का फोकस है। यानी उत्तल दर्पण के फोकस को हम कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ये किरण यहां से जा नहीं रही है, लग रहा है कि यहां से ये किरण जा रहे हैं, वास्तव में किरण तो यहां दर्पण पर टकराई, टकराने के बाद इधर परावर्तित हो गई। ये किरण दर्पण पर टकराई, परावर्तित हो गई, लेकिन लग रहा है कि मुख्य अक्ष के इस बिंदु से ये किरणें आ रही हैं। ये तो हम कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब हम दोनों को सम्मिलित रूप से अगर ये पूछा जाए कि उत्तल दर्पण का फोकस बताइए, तो आप ये बताएंगे
कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस करते हैं। अगर ये पूछा गया कि अवतल दर्पण का फोकस बताइए तो आप कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर जाती हैं, यहाँ वास्तव में जा रही हैं लेकिन यहाँ आती हुई लग रही है, प्रतीत हो रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये रहा अलग अलग पूछा गया तो ये बताएंगे। अगर आपको अवतल और उत्तल न कह करके कह दिया गया कि गोलीय दर्पण के फोकस के बारे में बताइए, गोलीय दर्पण के फोकस की परिभाषा बताइए, उसमें आप दोनों को कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से, गोलीय दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को फोकस समझ में आ गया होगा। अब आइए अगली हेडिंग है फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है? फोकस और ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। बस आज इतना ही, धन्यवाद।